आप सभी लोगों का महत्वपूर्ण सुझाव के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं कि आप लोगों ने अपना बहुमूल्य समय निकाल करके आज इस संक्रमण में सरकार को अपने महत्वपूर्ण सुझाव से अवगत कराया है। माननीय सभी सदस्यों ने अपने अपने सुझावें दी हैं और दीपक प्रकाश जी ने सरकार का समर्थन और केंद्र सरकार से सहायता देने की बात की है, ये बहुत ही सराहनीय बात है और हम उनके सुझाव और उनके सहयोग की पूरी उम्मीद करते हैं। और हमारे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष हमारे सहयोगी डॉक्टर रामेश्वर उरांव जी ने भी अपनी सुझाव दी है, जिसमें टेस्ट रिपोर्ट को लेकर जिसमें अधिक तेजी लाने की बात कही गई है। निश्चित रूप से इस विषय पर भी हमारी नजर है और इस पर अधिक से अधिक बढ़ाने की हमारी भी चिंताएं हैं कि हर व्यक्ति की जांच हम और उन तक हम पहुंचे। हमारे भाई बड़े भाई सुदेश महतो जी की भी सुझाव आए, उन्होंने भी जनप्रतिनिधियों को भी इसमें शामिल करने का सुझाव दिया है। इनके लिए इसके लिए भी मैं बहुत बहुत इनका आभार प्रकट करता हूं। आरजेडी के भी सुझाव का मैं आभार प्रकट करता हूं। हमारे कमलेश सिंह जी का भी एक महत्वपूर्ण सुझाव आया है, वाम दलों की तरफ से भी सुझाव आए हैं, इनके लिए भी मैं उन सबका सुझाव हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण साबित होगा। मैं यही कहना चाहूंगा सम्मानित सदस्यों कि वर्तमान हालात किसी से छुपा नहीं है, ना इसे कोई छुपा सकता है और ये जग जाहिर है। आज कई ऐसे माध्यम हैं जिसके सहयोग से हमें कई सूचनाओं को प्राप्त करने में सहूलियत होती है, इसलिए सच्चाई ऐसे स्थिति में ऐसे संक्रमण में छुप कभी नहीं सकती है, मेरा ये मानना है। और हम अपने सीमित संसाधनों के साथ जो बेहतर उपाय हैं उसके साथ हम आगे जा रहे हैं। आप मालूम होगा कि इस राज्य में जब एक भी आरटीपीसीआर लैब नहीं हुआ करते थे, उस समय से हमने इस राज्य में कोरोना से जंग लड़ना प्रारंभ किया था और आज राज्य में लगभग कोरोना का टेस्ट हर जिले में हो रहा है, कम बेसी कहीं ना कहीं सभी जिलों में हो रहा है। कुछ तो डेडिकेटेड वर्ल्ड क्लास लेबोरेटरीज हम लोगों ने यहाँ लगाए हैं और आपको मैं बता देना चाहता हूं कि आरटीपीसीआर जो लैब है जो अभी हमारे राज्य में सात जगहों पर डेडिकेटेड कार्यरत है, अभी उसको बढ़ाकर 9 करने के निर्णय हमने लिया है। अभी हमारे पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, पलामू, गोड्डा, गुमला, बोकारो, रांची, देवघर, इन सब जगहों में भी आरटीपीसीआर लैब स्थापित करने का हम लोगों ने निर्णय लिया है। और इसके साथ साथ चूंकि हम लोगों ने सैंपल कलेक्शन बहुत ज्यादा उसमें गति दी है और उसके अनुपात में मशीनों का जो कार्य करने की क्षमता है वो उसको उसमें समन्वय नहीं बन पा रहा, उसमें तालमेल नहीं बन पा रहा है और इसको लेकर हम लोगों ने तत्काल 2 बड़े कोवास मशीन जो बहुत बड़े पैमाने पर उस सैंपलों की टेस्ट करता है वो मशीन लेने का भी हम लोगों ने निर्णय ले लिया है, उसका हम लोगों ने ऑर्डर जारी भी कर दिया है और हमको लगता है कि लगभग कितने लगभग हमें तो 15-20 दिनों का समय कह रहे हैं, मान के चला जाए कि 20-25 दिनों में वो भी हमें उपलब्ध हो जाएगी। और हमने ये डायरेक्शन भी दिया है कि कम से कम हर जिले में 50 बेड का
50 ऑक्सीजन युक्त बेड का उपलब्धता सुनिश्चित की जाए, ये हमने विभाग को मुख्य सचिव के माध्यम से सभी राज्य जिलों को आदेश निर्गत किए हैं। और इसके अलावा परमंडलीय स्तर पर 100 ऑक्सीजन बेड अतिरिक्त उपलब्ध करने का भी हम लोगों ने निर्णय लिया है। और जिला स्तर पर, परमंडल स्तर पर ये एक अतिरिक्त ऑक्सीजन बेड की उपलब्धता सुनिश्चित करने का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। रांची जिले में की जो स्थिति है, अभी एक सप्ते के अंदर हम लोगों ने 600 अतिरिक्त ऑक्सीजन बेड की सुविधा उपलब्ध कराई है। वैकल्पिक व्यवस्था के तहत 630 अतिरिक्त ऑक्सीजन बेड की सुविधा हम लोग कर रहे हैं। अभी इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्र की जहां तक बात करें, हम लोगों ने ग्रामीण क्षेत्रों में अभी हमने डायरेक्शन दिया है कि सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में ऑक्सीमीटर और जो टेम्परेचर थर्मामीटर उपलब्ध कराया जाए, और एक मेडिकल किट हम लोगों ने तैयार किया है जिसमें इमरजेंसी दवाएं हैं जैसे पारासीटामोल हो या सर्दी खांसी बुखार जो सिम्टम्स हैं उसके को ध्यान में रखकर एक प्रिलिमिनरी क्योरिंग के लिए हम लोगों ने एक पैकेट तैयार किया है जो हर व्यक्ति तक राज्य में बांटने का हम लोगों ने निर्णय लिया है। और इसके अलावा पैरामेडिक कर्मियों की मैपिंग कर रहे हैं जिससे हम अधिक से अधिक मानव संसाधन का हम को उपलब्ध करा पाए, क्योंकि आप देख रहे हैं कि हमारे राज्य में डॉक्टर भी संक्रमित हो रहे हैं, लैब टेक्नीशियन भी संक्रमित हो रहे हैं, हमारे दो दो डिप्टी कलेक्टर का देहांत भी हुआ इस संक्रमण में, हमारे माननीय कई विधायक संक्रमित हैं। ये बात सही है कि ये स्थिति सिर्फ राज्य में नहीं पूरे देश में भयावह स्थिति अख्तियार कर रहा है, लेकिन हम लोग फिर भी अपने राज्य में अपने संसाधनों के साथ मैं समझता हूँ कि अगले 15-20 दिनों के अंदर, 25 दिनों के अंदर बहुत सारी चीजों को सामान्य स्थिति की ओर ले चलने की हमारी एक लक्ष्य है। हमारे डॉक्टर गंजू जी का देहांत हुआ, इसके लिए मैं निश्चित रूप से बहुत हमें भी दुख हुआ, लेकिन बड़ा कभी कभी हमें आश्चर्य होता है कि हम सरकार की चीजों को इतनी गैर जिम्मेदाराना तरीके से कभी कभी उसको सपोर्ट करते हैं कि कभी कभी हमें भी निराशा उपलब्ध होती है, निराशा हाथ लगता है। गंजू जी का जितने भी प्राइवेट अस्पतालों में घूमना हुआ जहां इनका एडमिशन, इनको भर्ती नहीं लिया गया, और अंतोगत्वा इस सरकारी अस्पताल में भी ये नहीं पहुंचे। और पिछला आपको याद होगा इस संक्रमण में हमारे इन्हीं सरकारी अस्पतालों ने जो अपनी दक्षता दिखाई है वो किसी से छुपी नहीं है, और हमको हमेशा अपनी व्यवस्था अपने हाथों पर भरोसा होना चाहिए। ये मुझे लगता है ये हम लोगों को करना चाहिए। और अभी अभी हमने थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री जी को, गृह मंत्री जी को और डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह साहब को पत्र लिखा है कि हमारे राज्य में बहुत बड़े पैमाने में हमारे डिफेंस सेटअप यहाँ पर है, रामगढ़ में है, दीपाटोली में है, उनके जो पैरामेडिक्स फोर्सेस हैं, उनके जो अस्पताल हैं, और उनसे सहयोग की हमने मांग की है। और मुझे लगता है कि मुझे बहुत इस पर उम्मीद है, और मैं दीपक प्रकाश जी से आग्रह करूंगा भी कि आप इस विषय, इस आशय पर थोड़ा केंद्र पर आप बात करें, क्योंकि ये फोर्स एक बहुत बड़ी फोर्स यहाँ पर है, तो उनका भी हम सहयोग ले सकें। और जहाँ तक कुछ मेडिसिन की बात है, रेमडेसिविर का और भी कई ऐसे लाइफ सपोर्ट मेडिसिन है जो इसकी कमी आप लोगों को बताई जा रही है, निश्चित रूप से इसकी आज हमें काफी इसमें दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लगभग हम लोगों ने 38,000-40,000 फाइल का
डिमांड किया था उसमें मात्र 8,000 फाइल ही है अभी तक हमारे राज्य को उपलब्ध हो पाया है। और इस विषय पर हम लोग डायरेक्ट कंपनी के ही चेयरमैन से, कंपनी के ओनर से ही हम लोग बात कर रहे हैं ताकि हमें सीधे तौर पर ये उपलब्ध हो। हमने भी अभी एक पत्र लिखा है, मुख्य सचिव लगातार सभी कंपनियों के चेयरमैनों से संपर्क में है और उन्होंने आश्वासन तो दिया है लेकिन अभी उनकी भी उपलब्धता निश्चित रूप से काफी क्राइसिस सिचुएशन पर है। और जहां तक टीकाकरण की बात है, वो बात सही है कि जैसा टीकाकरण का एसओपी बना हुआ है केंद्र सरकार, जैसे जैसे हमें उपलब्ध करा रही है, टीकाकरण का कार्य जल्दी हो रहा है। और इसमें एक सुझाव आया है, टीकाकरण सभी उम्रों को लगाया जाए, उम्र के लोगों को लगाया जाए। इस विषय पर केंद्र सरकार ही हमें कोई डायरेक्शन दे सकता है या हम लोग उनसे रिक्वेस्ट जरूर कर सकते हैं कि यहाँ पर इसकी आवश्यकता है। और कई चीजें हैं, कुछ बात आई है राज्य में लॉकडाउन को लेकर, कड़ाई से पालन करने की कई चीजों को लेकर, और इस विषय पर हमने कई चीजों को मौजूदा हालात में ध्यान में रखते हुए कुछ निर्णय जारी भी किए हैं। जैसे अभी हम लोग का झारखंड एकेडमिक काउंसिल के प्रैक्टिकल्स के एग्जाम होने थे, लगभग उसमें 4.5-5 लाख विद्यार्थियों का उसमें ये इन्वॉल्वमेंट था, जिसको हम लोगों ने अभी स्थगित किया है। और इस विषय पर सभी पहलुओं पर नजर रखी जा रही है और इस विषय पर कैसे हम इसके चेन को ब्रेक करें और कितने मजबूती से इसकी हम अमल पे ला सकें, इस पर हम लोग बहुत जल्द निर्णय लेंगे। अभी चूंकि हमारे यहाँ हमारे प्रवासी मजदूर भी बड़े पैमाने पे वापस हो रहे हैं, जो आप लोगों को भी इसका संकेत है, और महाराष्ट्र और पुणे से ट्रेनें भी चली हैं, तो उन लोगों का भी हमें ख्याल रखना है। और आप लोगों से भी आग्रह है, अपने जनप्रतिनिधियों, अपने सहयोगियों से आप भी ये कहें कि जो लोग संक्रमित हैं लेकिन सामान्य हैं तो उनको बहुत चिंता करने की आवश्यकता नहीं है और तुरंत अस्पताल के जगहों को ऑक्यूपाई करने की आवश्यकता नहीं है। और कभी कभी तो ये भी खबर है कि अस्पताल में जाने के बाद जब तक पूर्णतया लोग ठीक नहीं होते वो अस्पताल छोड़ने को तैयार नहीं होते हैं, और नतीजा ये होता है कि फिर जगह की कमी होती है। ये एक अनंत काल की व्यवस्था से स्थिति उत्पन्न हुई है। अब ये बात जरूर है कि ये संक्रमण है, ये एक ऐसा वक्त है जहां कोई भी चीजें परफेक्ट या ये नहीं हो सकता है कि इसके बाद यही सबसे बेहतर हो सकता है। इसलिए हम लोगों का प्रयास है और आप लोगों का सहयोग है। अभी हमारे साहेबगंज के हमारे सांसद महोदय ने अपने सांसद फंड से वहां आरटीपीसीआर लैब बनाने का उन्होंने अपना योगदान दिया है। वहां पर बड़ी तेजी से लैब का निर्माण किया जा रहा है, तो उनके अपने निधि के अनुरूप जितना उनका सक्षम था वो कर उन्होंने किया है, उसमें सरकार भी उसको अब सहयोग कर उसको बड़ा लैब कर रही है। इस तरीके से आप लोगों का भी सहयोग के रूप में जो सुनिश्चित बेहतर होगा वो किया जाएगा। और आप अपने व्यक्तिगत रूप से भी अपने इस भूमिका को निभा सकते हैं, इसलिए आप सब लोगों का बहुत बहुत आभार कि आप लोगों ने इतना महत्वपूर्ण सुझाव और इस संकट की घड़ी में आप लोग सरकार के साथ खड़े हैं। और निश्चित रूप से हम सब लोग मिलकर इस संक्रमण को राज्य से बाहर करेंगे और सब लोग शहर से लेके ग्रामीण क्षेत्र तक, चाहे किसान हो या आम नागरिक हो, यहाँ पर सभी लोगों के हितों की रक्षा करना राज्य सरकार की दायित्व है और हर दायित्व से ईमानदारी के साथ ये सरकार निभाने के लिए तत्पर है। और बहुत जल्द ही आप लोगों को मैं समझता हूँ कि हम लोग जिस रफ्तार के साथ काम कर रहे हैं
उसमें हम लोग अपने राज्य को फिर सुरक्षित स्थिति पर लेके जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सब लोगों को, मेरी तरफ से जोहार।